हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम रियली सॉरी, मेरे व्लॉग्स और मेरे वीडियोस काफ़ी डिले हो गए हैं। मैं रूटीन से थोड़ी सी भटक गई। सो मैंने आपके लिए ये पुराना एक वीडियो मैंने शूट करके रखा हुआ था बहुत दिन से, करवा चौथ का गेट अनरेडी विद मी। सो मैं ये वीडियो शूट करके बहुत दिनों से रखी हुई थी, लेकिन मैं एडिटिंग का टाइम भी निकाल पाई थी। मुझे ट्रैवल करना था और बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स भी आने वाले हैं आपके लिए, तो स्टे ट्यून। तो मैं आई होप कि आपने मेरा ये मेकअप का वीडियो देखा होगा करवा चौथ का। आई थिंक मैंने 2 नवंबर को इसे पोस्ट किया था इस वीडियो को। तो अब उसके बाद इसका नेक्स्ट सीरीज़ था गेट अनरेडी विद मी। तो ये मेरे शादी की ज्वेलरी है। ये शादी मैंने 1 ग्राम गोल्ड वाली ज्वेलरी पहनी थी। गोल्ड की ज्वेलरी मैंने बाद में पहनी थी, और ये ज्वेलरी जो थी ये मतलब जयमाल वाले टाइम पे मैंने पहनी थी। सो ये ज्वेलरी मेरे यहाँ करवा चौथ में शादी का ही ड्रेस पहना जाता है, और इफ़ पॉसिबल तो शादी की ज्वेलरी भी पहनी जाती है। तो ये लहंगा जो है ये मेरे इंगेजमेंट का लहंगा है। तो मैंने ये लहंगे पे मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया था। सो अब मैं अपना जो भी मेकअप है वो पहले मैं रिमूव करूँगी। ज्वेलरीज वगैरह रिमूव कर ली हूँ मैं, और बिंदी भी हटा रही हूँ क्योंकि फेस पूरा वॉश करना है। तो मैं एक हाथ में वॉच पहनी थी और एक हाथ में बैंगल्स डाली थी। मुझे दोनों हाथ में बैंगल्स डालने में स्पेशली पूजा में थोड़ा सा कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन अगर ज़्यादा बैंगल्स पहनने हों तो कभी कभी वो दिक्कत भी आती है, लाइक कुछ ना कुछ वो होता रहता है पूजा में, मतलब मुझे पर्सनली होता है दिक्कत। तो मैंने अब अपना कपड़ा पहले चेंज कर लिया, बिकॉज़ वो बहुत ही हैवी था। मैं फॉल्स लैशेज अपने हटा रही हूँ, और उसके बाद मैं फिर ये जोव्स कंपनी का क्लिनजिंग मिल्क लूँगी। मेरा बहुत ही सिंपल सा अनरेडी वाला मतलब रहता है। मैं जब भी मेकअप वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ या कहीं जाने के लिए भी मेकअप करती हूँ, सो कोरोना में तो कहीं जा ही नहीं रहे कि कहीं मेकअप करेंगे, तो मैं सिंपली सबसे पहले अपना मेकअप जो है वो क्लिनजिंग मिल्क से ही रिमूव करती हूँ। कॉटन पैड है, इस पर मैंने क्लिनजिंग मिल्क लिया हुआ है, और इससे मैं प्रॉपर अपने आईज़ वाला एरिया क्लीन करूँगी। और आई शेडोज़ वगैरह क्लीन करने के बाद मस्कारा क्लीन करना है, और फॉल्स लैशेज लगाएं तो इसका ग्लो भी रहता है, तो इसलिए मैं बहुत आराम से धीरे धीरे इसको कई बार में थोड़ा थोड़ा लेके क्लीन करती रहती हूँ, और इससे कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आती है, एक बार में क्लीन हो जाता है। और क्योंकि आईज़ में अगर हम लोग फेस वॉश से कर रहे हैं या स्क्रब से कर रहे हैं ना, तो आईज़ में फेस वॉश और ये सारा आईज़ के ऊपर लगा कर रब नहीं कर सकते, तो ये वाला मुझे ज़्यादा ईजी लगता है और कम्फर्टेबल भी लगता है। सो अब मैं क्लिनजिंग मिल्क लेके मैं पूरे फेस का मेकअप एक बार इससे क्लीन करूँगी, उसके बाद ही मैं फेस वॉश यूज़ करूँगी, और उसके बाद मैं एक मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। मेरा बस ये 3 स्टेप का ही क्लीनिंग रहता है, इससे ज़्यादा मैं क्लीनिंग नहीं करती हूँ। और मैं एज़ यू ऑल नो, जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मैं मेकअप जब भी करती हूँ तो मैं अपने ईयर्स और नेक के एरियाज़ पे भी लगाती हूँ, तो मैं वहाँ भी क्लीन कर रही हूँ इसलिए। तो मैं अभी फ़ेस वॉश करके आ गई हूँ, और मैं भूल गई एक्चुअली फ़ेस वॉश को, मैं उसको इसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो मैं ये फ्रूट ऑफ द अर्थ का एलोवेरा जेल है, मैं वो लगा रही हूँ। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन अभी मतलब जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंडी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बेसिकली मेरा स्किन ऑयली है, तो मुझे एलोवेरा जेल ज़्यादा बेटर लगता है। मैं कोल्ड क्रीम लगाती हूँ तो थोड़ा सा ऑयली ज़्यादा हो जाता है। तो अब मैं वापस से जो मैं डेली वेयर में ज्वेलरी में जस्ट सिंपल अपना इयररिंग पहनती हूँ गोल्ड का, वो डाल रही हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना फेस वॉश। एक्चुअली मैं भूल गई वो पहले, इससे एक्चुअली बहुत ठंडा ठंडा सा हो जाता है, ये वाला मुझे बहुत पसंद आता है। सो फ्रूट ऑफ द अर्थ का आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे ये फेस वॉश जो है मेरा, ये है फेसेस कनाडा कंपनी का है, और अभी इसका प्राइस एक्चुअली चेंज हो गया है। और ये फेसेस कनाडा का डबल फोमिंग फेस वॉश है, ये बहुत ही ज़्यादा स्किन को सॉफ्ट कर देता है और बहुत डीप क्लिंस कर देता है। तो ये वाला फेस वॉश मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप ये कर सकते हैं यूज़।
सो मैंने यहाँ पे फ्रूट ऑफ द अर्थ एलोवेरा जेल यूज़ किया है, फ्रेसिस कैनेडा का फेस वॉश यूज़ किया है, जोव्स कंपनी का क्लिनजिंग मिल्क यूज़ किया है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। टिल देन बाय बाय।